नमस्कार, मैं रजनी पहला पेश ते हुण तक दीआं चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वल्लों सार्क मुल्कां नूं अतवाद दे टाकरे दे लई मिल के काम करन दा सद्दा। नागरिकता सोध बिल अज लोक सभा दे विच पेश कीता जावेगा। विदेश मंत्रालय ने भरोसा दवाया है कि प्रबलीन कौर की देह भारत लियाउण दे यतन किए जा रहे हैं। मनप्रीत सिंह बादल ने कहा कि रोशनी ते आवाज़ शो राही श्री गुरु नानक देव जी दीआं सिख्यावां नूं लोकां तक पहुंचाउण दा यतन किया जा रहा है। कर्नाटक दीआं 15 सीटां दे लई होईआं ज़िमनी चोणां दे लई वोटां दी गिनती जारी। बीजेपी हुण तक 11 सीटां ते अग्गे। ते हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्क मुल्कां नूं अतवाद दे टाकरे दे लई मिल के काम करन ते अतवाद दा समर्थन करन वालियां खिलाफ डटन दा सद्दा दित्ता है। अपने ब्लॉग ते सार्क दिहाड़ी मौके लिखी एक चिट्ठी विच प्रधानमंत्री ने कहा है कि अजिहे उपराले सार्क देशां विचाले भरोसगी वधाउण दे विच कारगर साबत होणगे, जिस दे नाल सार्क दी मजबूती विच सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सार्क देशां विच आपसी सहयोग वधाउण दे लई लगातार उपराले कर रहा है, पर कुछ मुल्क अतवादी कारियां ते धमकियां दे नाल सार्क दी खुशहाली नूं लाउण दे यतन कर रहे ने। सार्क दा स्थापना दिवस हर साल 8 दिसंबर नूं मनाया जांदा है। 2014 दा सार्क सम्मेलन काठमांडू दे विच होया सी, जिस विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया सी। 2016 दा सार्क सम्मेलन इस्लामाबाद विच होना सी, पर उरी दे विच होए अतवादी हमले तो बाद भारत ने उस वेले दे हालात नूं ध्यान विच रखदिआं सम्मेलन विच हिस्सा लैण तो इनकार कर दिता सी। मगरों इह सिखर सम्मेलन मुलतवी हो गया सी, क्यों जो बंगलादेश, भूटान ते अफगानिस्तान ने वी उस सम्मेलन विच हिस्सा लैण तो इनकार कर दिता सी। लोक सभा विच नागरिकता सोध बिल अज पेश कीता जावेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बाद दुपहर इस बिल नूं हेठले सदन विच रखणगे। इस बिल दा मंतव पाकिस्तान, बंगलादेश अते अफगानिस्तान विच धार्मिक वधीकियां दा शिकार गैर मुसलमान शरणार्थियां नूं भारतीय नागरिकता देण बारे नुक्ते सुझाए गए ने। एनडीए सरकार दे पिछले कार्यकाल दौरान यह बिल लोक सभा दे विच तां पास हो गया सी, पर राज सभा दे विच सरकार ने इस बिल नूं पेश नहीं कीता सी। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस ते खब्बे पक्खी पार्टियां वल्लों इस बिल दीआं कुछ तरावां ते पहलां ही अपने एतराज़ जताए जा रहे ने। कांग्रेस दे लोक सभा दे विच आगू अधीर रंजन चौधरी ने नवीं दिल्ली विच हुई पार्टी दे सीनियर आगूआं दी मीटिंग मगरों सदन विच इस बिल दा विरोध करन दा ऐलान कीता है। दूजे पासे भारतीय जनता पार्टी ने लोक सभा विच अपनी पार्टी दे संसद मैंबरां नूं विप जारी करके बुधवार तक सदन दे विच हाजर रहण दे लई कहा है। कैनेडा विच पढ़ाई दे लई गई भारतीय कुड़ी दे कतल मामले ते भारतीय दूतघर वल्लों लगातार नज़र रखी जा रही है ते मृतक कुड़ी प्रबलीन कौर दी देह नूं भारत लियाउण दे यतन कीते जा रहे ने। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जलंधर दे संसद मैंबर संतोख सिंह चौधरी नूं लिखी चिट्ठी विच भरोसा दिता है। चौधरी ने नवीं दिल्ली विच डॉक्टर एस जयशंकर दे नाल मुलाकात करके मामला चुकिया सी। उन्हां केंद्रीय मंत्री नूं अपील कीती है कि प्रबलीन दी मृतक देह नूं केंद्र सरकार दे खर्च ते भारत लियांदा जावे। प्रबलीन कौर फोटो पत्रकार गुलदियार सिंह दी धी है, जिहड़ी जलंधर जिले दे पिंड चिट्टी तों पढ़ाई दे लई कैनेडा गई सी। पिछले महीने दी 27 तारीख नूं कैनेडा दे शहर सरी विच उस दा कतल कर दिता गया सी। श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पुरब नूं समर्पित रोशनी अते आवाज़ शो बठिंडा विच करवाया गया। पंजाब सरकार वल्लों करवाए गए इस समागम दौरान बोलदियां सूबे दे खजाना मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने कहा कि आधुनिक तकनीक राही श्री गुरु नानक देव जी दीआं सिख्यावां नूं लोकां तक पहुंचाउण दे लई उपराला कीता जा रहा है। उन्हां लोकां नूं अपील कीती है कि उह गुरु नानक देव जी दे दर्साए मार्ग ते चलन। इस रोशनी अते आवाज़ शो विच वड्डी गिनती विच लोकां ने हिस्सा लिया। ए शो अज शाम भी इसे तरह विखाए जाणगे। कर्नाटक दीआं 15 विधानसभा सीटां दे लई होईआं ज़िमनी चोणां दे लई पईआं वोटां दी गिनती जारी है। मुढले रुझान आउणे शुरू हो गए ने। भारतीय जनता पार्टी दे उम्मीदवार 11 ते अगे चल रहे ने। करड़े सुरक्षा प्रबंधा हेठ करवाई जा रही वोटां दी गिनती मुकम्मल होण दे नाल 4 महीने पहलां कर्नाटक विच बीजेपी दी बी एस येदुरप्पा की अगवाई विच बनी सरकार दे सियासी भविख दा फैसला होवेगा।
कांग्रेस ते जनता दल सैकुलर तो अस्तीफा दे चुके ते आयोग ऐलाने गए 15 विधानकारा दीआं सीटां ते वीरवार नूं जिमनी चोणां करवाईआं गईआं सन। 15 विधानसभा सीटां ते होईआं जिमनी चोणां दौरान 67.91% वोटां पईआं सन। मुख्यमंत्री येदुरप्पा ने 29 जुलाई नूं भरोसे की वोट हासिल कर ली सी। उस वेले 225 मैंबरी विधानसभा दे विच विधानकारा की कुल गिनती 208 सी। इस वेले तक विधानसभा विच बीजेपी 115 ते कांग्रेस दे 66 मैंबर ने। बीजेपी नूं सत्ता दे विच बने रहण दे लई 6 होर विधानकारा दे समर्थन दी लोड़ है। एक आजाद उम्मीदवार पहला ही भारतीय जनता पार्टी नूं समर्थन दे रहा है। वैसट इंडीज़ की टीम ने मौजूदा T20 क्रिकेट लड़ी के दूजे मैच विच भारत नूं 8 विकटां दे फर्क दे नाल हरा दिता है। तिरुवनंतपुरम दे विच खेडे गए इस मैच विच वैसट इंडीज़ ने टास जीत के भारत नूं पहले बल्लेबाजी का सद्दा दिता सी। भारत ने मिथे 20 ओवरां दे विच 7 विकटां गवा के 170 दौड़ां बनाईआं सन। भारत वल्लों शिवम दुबे ने 30 गेंदां दे विच 4 छक्के ते 3 चौके लगाउंदिआं सब तों वध 54 दौड़ां जोड़ियां सन। वैसट इंडीज़ दी टीम ने लोड़ींदा टीचा 18 ओवरां ते 3 गेंदां दे विच 2 विकटां दे नुकसान ते 173 दौड़ां बना के हासिल कर लिया है। लैंडल सिमनस ने 4 छक्के ते 4 चौकियां दी मदद दे नाल 45 गेंदां दे विच 7 दौड़ां जोड़ियां। इवन लेविस ने 40 ते निकोल स्पुरन ने 38 दौड़ां दा योगदान दिता। लड़ी दा आखरी मैच 11 दिसंबर नूं मुंबई दे विच खेडिया जाएगा। लड़ी दा पहला मैच हैदराबाद विच खेडिया गया सी अते भारत ने 6 विकटां दे फर्क दे नाल जित दर्ज कीती सी। लड़ी दे विच दोवीं टीमां 1-1 दी बराबरी ते चल रहीआं ने। नेपाल विच चल रहीआं 13वीं दक्षणी एशियाई खेडां दे विच भारत दा शानदार प्रदर्शन जारी है। खेडां दे 8वें दिन भारत दी टीम 252 तमगे जित के चोटी दे बनी हुई है। भारत दी टीम ने हुण तक सोने दे 132, चांदी दे 79 ते कांसे दे 41 तमगे जीते ने। भारतीय जूडो खिडारियां ने कल शानदार प्रदर्शन करदिआं सोने दे 5, चांदी दे ते कांसे दा 1-1 तमगा अपने नां कीता है। जूडो खिडारन सुशीला देवी ने औरतां दे 48 किलो भार वर्ग दे विच सोन तमगा जीतिआ है। विजय कुमार यादव ने मर्दां दे 60 किलो, सुचिका ने औरतों के 67 किलो, एल निरुपमा देवी ने 63 किलो ते जसलीन सिंह सैनी ने 66 किलो भार वर्ग दे विच सोन तमगा अपने नां कीता है। तैराकी खिडारिया ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखदिया सोने दे 6, चांदी दे ते कांसे दे 2-2 तमगे होर जीते। ओलंपिक तमगा जेतू बलवान साक्षी मलिक ने 62 किलोग्राम भार वर्ग विच सोन तमगा जीतिया है। औरतों के 59 किलो भार वर्ग के अंशु ने सोन तमगा हासिल किया है। मर्दों के 61 किलो भार वर्ग के रविंदर ते 86 किलो भार के पवन कुमार ने सोन तमगा जितया। टैनिस मुकाबलों के हूंजा फिर प्रदर्शन करदिया भारत ने 3 सोने के तमगे जीते। इस तो इलावा मर्दों ते औरतों के डबल्स मुकाबलों के नाल नाल मिक्सड मुकाबलों भी चांदी के तमगे भी जितने च कामयाबी हासिल की। इन्हां तिन्हां वर्गों के फाइनल मुकाबले भारतीय खिडारियों विचाले ही खेडे गए सन। अज मर्दों ते औरतों के सिंगल्स मुकाबलों के फाइनल भी भारतीय खिडारियों विचाले ही खेडे जाणगे। स्क्वैश मुकाबलों में भारत ने सोने का 1, चांदी के 2 ते कांसे का 1 मैडल अपने नाम किया है। औरतों के व्यक्तिगत मुकाबले दे विच भारत ने सोने ते चांदी का तमगा जीतिया है। फाइनल मुकाबले दे विच तन्वी खन्ना ने सुनैना नूं 3-1 दे फर्क दे नाल हराया। मर्दां दे व्यक्तिगत मुकाबले दे विच भारत दे हरिंदरपाल सिंह ने चांदी ते अभय सिंह ने कांसे दा तमगा जीतिया है। शूटिंग मुकाबलों दे विच भारत ने सोने दे 2 ते कांसे दा 1 तमगा अपने नां कीता है। मर्दां दे 10 मीटर एयर पिस्टल टीम मुकाबले दे विच शरवन कुमार, रविंदर सिंह ते सुमित रमन ते आधारित भारतीय टीम ने सोन तमगे ते निशाना लाया। शरवन कुमार ने व्यक्तिगत तौर पर सोने का ते रविंदर सिंह ने कांसे का तमगा जीतया है। तलवारबाजी मुकाबले दे विच भारत ने मर्दां ते औरतों के टीम मुकाबलों दे विच 3 सोन तमगे जीते। हैंडबॉल दे विच भारतीय टीम चांदी का तमगा जीतने विच कामयाब रही है। कबड्डी दे विच भारत की मर्दों ते औरतों की टीम फाइनल विच पहुंच गई है। मर्दों के वर्ग दे विच भारतीय टीम का मुकाबला श्रीलंका दे नाल ते औरतों के वर्ग दे विच भारतीय टीम का टाकरा मेजबान नेपाल दे नाल होवेगा। इन मुकाबलों दे विच नेपाल की टीम 45 सोन तमगियां समेत 165 तमगे जीत के दूजे स्थान पर चल रही है। ते आ बुलेटिन दे आखिर विच आउंदियां खबरां एक बार फिर तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों सार्क मुल्कां नूं अतवाद दे टाकरे दे लई मिलके काम करन दा सद्दा। नागरिकता सोध बिल अज लोकसभा दे विच पेश कीता जाएगा। विदेश मंत्रालय ने भरोसा दवाया कि प्रभवीन कौर दी देह नूं भारत लियाउण दे यतन कीते जा रहे ने। मनप्रीत सिंह बादल ने कहा कि रोशनी ते आवाज शो राही श्री गुरु नानक देव जी दीआं सिख्यावां नूं लोकां तक पहुंचाउण दा यतन कीता जा रहा है।
ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ 15 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਰੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਹੋਇਆ ਖਤਮ। ਨਮਸਕਾਰ।